के प्यार में तो सभी लोग दीवाने हैं। अगर भक्तों को अपने कान्हा से मिलना होता है तो वो कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंच जाते हैं। और प्रेम का जब भी नाम आता है तो सबसे ऊपर नाम कृष्णा का ही आता है। साथ ही आपने बहुत सी प्रेम कहानी देखी हो और सुनी होगी, और हम आपको आज एक ऐसी ही वृंदावन की एक प्रेम कहानी बताएंगे। द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं गरिमा गौर। कान्हा की नगरी वृंदावन में हर दिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इस शहर का भक्तिमय माहौल विदेशों से आए लोगों को भी खूब आकर्षित करता है, और वो कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि वो अपना घर बार भी भूल जाते हैं और अपने कृष्ण के साथ वृंदावन में ही ठहर जाते हैं। यही कारण है कि रूसी लड़की यूना का भी दिल यहीं ठहर गया। घूमने आए यूना के साथ वृंदावन में कुछ ऐसा हुआ कि वह वापस नहीं जा पाई। जी हाँ, उसे एक गौर सेवक से प्यार हो गया। आपको बता दें कि दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए कि उन्होंने शादी रचा ली। राजकरण पिछले 20 साल से वृंदावन में रह रहे हैं, वो गायों की सेवा करते हैं। कृष्ण भक्त यूना भी रूस से वृंदावन में आए। वृंदावन में यूना भी राजकरण के साथ गौ सेवा करने लगी और दोनों में फिर प्यार हो गया, और फिर उन्होंने तय किया कि वो शादी रचा ले। अप्रैल 2023 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ दिल्ली में शादी कर ली। अब दोनों दिन में गौ सेवा करते हैं और शाम को वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के पास ही लोगों को धार्मिक पुस्तकें और चंदन लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। इस कपल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। राजकरण को रूसी भाषा नहीं आती और यूना को हिंदी बोलना नहीं आता, मगर फिर भी एक दूसरे से प्यार को वो बिना शब्दों के भी समझ लेते हैं। यूना हिंदी नहीं बोल पाती, मगर उन्होंने हिंदू रीति रिवाज पूरी तरह अपना लिया है। वो गले में मंगलसूत्र भी पहनती हैं और मांग में सिंदूर भी भरती हैं, साथ ही पैरों में पायल भी पहनती हैं। बता दें, राजकरण उम्र में भी यूना से 1 साल छोटे हैं। यूना जहां 36 साल की है, वहीं राजकरण की उम्र 35 साल है। अब दोनों की जोड़ी देखकर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी अचंभव में पड़ जाते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलेंगे ऐसे ही और अपडेट के साथ। नमस्कार।